अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फरीदा राशिद है। मैं प्रेसिडेंट हूँ इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की। और आज माशाल्लाह हमने ये अपने 2 डेज का इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। हमारे पास माशाल्लाह 300 खवातीन हैं जो कि हमारे चैम्बर की मेम्बर्स हैं, और हमने इनकी तमाम जो हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं और बाकी जितनी भी इनकी काविशें हैं उस सबको जो है वो अपने इस्लामाबाद रावलपिंडी में हमने ये एक्सपो के ज़रिए उनको प्रेजेंट किया है, ताकि वो तमाम दुनिया में पूरे पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी वो इन तमाम चीज़ों को देख सकें कि हमारे मुल्क की खवातीन आखिर किस तरीके से काम कर रही हैं। IT सेक्शन से भी हैं हमारे पास, ट्रैवल एंड टूर्स भी हैं, और हमारे पास की तमाम दूसरे डिफरेंट मुख्तलिफ कैटेगरीज से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, खवातीन आई हुई हैं। बेसिकली वुमेन चैम्बर का एम ही यही है कि अपने मुल्क की खवातीन को प्रमोट किया जाए और उनके इस काम को आगे लेके जाया जाए, दुनिया में बताया जाए कि हमारे पाकिस्तान की खवातीन की दुनिया की किसी भी खवातीन से कम नहीं है। सिर्फ हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें कोलेबोरेशन नहीं मिलती हमें उनकी चीज़ों को आगे लेके जाने के लिए, एक्सपो में लेके जाने के लिए, या किसी के साथ भी लिंकअप करने के लिए हमें ज़रूरत है कि गवर्नमेंट और तमाम लोग हमारे आके हेल्प आउट करें, हमारी खवातीन के लिए रिजर्व लेके आए, उनके लिए SMEs के लिए इंतज़ाम करें, ताकि उनके फंड्स के लिए इंतज़ाम करें, ताकि वो अपनी इन काविशों को अच्छी तरीके से आगे पेश कर सकें। तो ये एक्सपो करने का मकसद यही था कि हम अपनी खवातीन की चीज़ों को डिस्प्ले कर सकें। और आज माशाल्लाह से एम्बेसी से भी, गवर्नमेंट ऑफिशल्स भी और यहाँ के डिग्निटरीज भी, इस्लामाबाद के सब ने हमारी इस एक्सपो को ज्वाइन किया है और खवातीन की काविशों को अपने हाथों से देखा है, अपनी आँखों से देखा है। और ये हमें हमारे लिए बड़ी बाई से खुशी है कि कम से कम हमारे 20,000 से प्लस हमारे विजिटर्स रहे हैं यहाँ पे। और मैं अपनी तमाम खवातीन का शुक्रिया अदा करूँगी जो वुमेन चैम्बर की मेंबर्स भी हैं, और इसके अलावा भी उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने आके इस एक्सपो को कामयाब बनाया। एक आपसे एक क्वेश्चन मेरा है कि आप इन द फ्यूचर इसको कहाँ देखती हैं, कि जो आपका ये जो चेंज चल रही है वो कहाँ तक कैसे जाएगी, या मतलब किस तरह की स्पीड पे जाएगी? देखिए, मैं तो इन फ्यूचर इसको एक्सपोर्ट के लेवल से भी देखती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि हमारी खवातीन का काम दुनिया भर में जाए। जब तक हम अपनी नेशनल लेवल पे उनको आगे नहीं लेकर आएंगे तो वो इंटरनेशनल लेवल पे कैसे जाएंगे? सही। तो अब जहाँ पे जो भी चीज़ें हमारी बेहतरीन चीज़ें बनती हैं, लेकिन उसकी सिर्फ पैकेजिंग और इंटरनेशनल लेवल्स के साथ उसकी मैचिंग, ये हमारे लिए एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो हमने बहुत सारे ऐसे इदारों के साथ कोलेब्रेशन किया है ऐसा वुमेन चैम्बर, कि हमारी खवातीन की इन बेहतरीन बनी हुई चीज़ों को अच्छी तरीके से पैक करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करें और उनको पूरे इंटरनेशनल लेवल के साथ लेके जाएं। मैं नहीं समझती कि दुनिया में किसी भी किस्म की किसी भी मार्केट में पाकिस्तानी चीज़ ना जाए। बिल्कुल, एक प्रॉब्लम आती है कि हम उनके पैकेजिंग इशूज़ के साथ मैच नहीं कर पाते, और दूसरा ये कि पेमेंट्स के साथ हमारी थोड़ी सी इशूज़ आते हैं कि थ्रू कार्ड्स या ये चीज़ें कोलेबरेट करती हैं, इसके साथ हमारी मैचिंग नहीं हो पाती, वरना अदरवाइज़ हमारे पाकिस्तान की चीज़ दुनिया में किसी की भी किसी चीज़ से कोई कमी नहीं है। बस हमारी ये कोशिश है कि हम इसमें इनिशिएटिव लेते हैं अपनी लेडीज़ के लिए, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे आएँ। और जिसके पास कोई भी स्किल है, चाहे वो कपड़ों में है, जूतों में है, ज्वेलरी में है, IT सेक्शन में है, टेक्सटाइल में है, या किसी और ट्रैवल टूरिज्म में या किसी भी और सेक्शन में है, उनको आके इसको ज्वाइन करें। सही। तो ताकि उनके इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, MTNs बनाने में या और भी कोई डॉक्यूमेंटेशन है, तो हम वो चाहते हैं कि हम उनको हेल्प आउट करें, ताकि वो जो है वो इस तरीके से अपनी जो काविश है वो कर रही हैं उसको आगे लेके जाएँ, उससे अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए अर्निंग कर सकें। बेसिक मकसद ये है कि अगर खातून काम कर रही हैं तो आपका जो घर है वो तरक्की करें, आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो, क्योंकि एक बंदे के काम करने से बहुत सारे लोग घर के नहीं इनकम इंक्रीज कर सकते, लेकिन अगर खातून शाना बशाना बंदों के काम करेंगी तो ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है और हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है, ताकि हम अपने घरेलू इनकम को इंक्रीज कर सकेंगे। तो हम एज अ चैम्बर इसीलिए बैठे हैं काविश को आगे लेके जाएं, उनके साथ हेल्प आउट करें, उनको ट्रेनिंग दें, ताकि मुख्तलिफ शोबों में जो भी खवातीन हैं वो हमारे चैम्बर जो है वो प्रॉपर मेंबर हैं, और हम माशाल्लाह हम लाइसेंस होल्डर हैं, पिछले 20 ईयर्स से हम काम कर रहे हैं, 10 ईयर्स से हमारे पास लाइसेंस है। तो हम जिस भी कंपनीज के साथ या जिस भी इंटरनेशनल लेवल के साथ उनके लिए कोलेबरेट कर सकते हैं, हम कोशिश करें कि हम करें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।